स्लो जाने की कोशिश करेंगे, जितना आप स्लो चलेंगे उतना आप इंश्योर कर रहे हैं कि गाड़ी नीचे टच ना हो, ग्राउंड क्लियरेंस का आप पूरा फ़ायदा उठा पाएंगे, सस्पेंशन का पूरा फ़ायदा उठा पाएंगे और सेफली बिना कोई डैमेज करे आप निकल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा शायद कि आपका एक आध मोमेंट के लिए भैया कोई ना कोई व्हील हवा में आ रहा है। इस टाइम पे अगर आपका फोर व्हील लॉक नहीं होता तो आपकी गाड़ी फंस सकती थी। क्या बोलते हैं इसका अल्टरनेट मोड बोलते हैं, क्या बोलते हैं अल्टरनेट ड्राइव बोलते हैं? नहीं, तो ये आपका लॉक मोड है। टिपिकली जो आपका ये ड्राइव मोड सिलेक्ट है उससे आप लॉक में आ गए हैं, जिससे कि सारे व्हील्स को अब पावर जा रही है। ऑल व्हील ड्राइव एंगेज आपने कर दिया है कि अब गाड़ी के पास ऑप्शन नहीं है कि टू व्हील या फोर व्हील वो चेंज करता रहे ट्रेन के हिसाब से, अब वो फोर पे ही चलेगा। लेकिन फोर पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, वो भी वो चेंज करता रहेगा कि अगर एक को पावर नहीं चाहिए तो वो किसी और को पावर दे देगा, जिसको भी अच्छी ग्रिप होगी तो उसको पावर देके निकाल देगा। दो रेस ढंग से लेफ्ट आ जी, चलिए 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 चलिए, अब लेफ्ट आते हैं, इस ग्रेवल पे जाना है बिल्कुल सीधे, एंड में शार्प यू टर्न उस गाड़ी के पीछे आना है, जल्दी से कर सकते हैं, बहुत तेज में जाइएगा यहाँ पे थोड़ा, क्योंकि मैं आपको वो दिखाऊंगा कि उस गाड़ी में क्या हो रहा है। इस हम्प के बाद अब आप थोड़ा तेज चल सकते हैं, लॉन्ग यू टर्न मार के इसके पीछे आना चाहिए और आगे तक एंड में लीजिएगा बिल्कुल, जिससे गाड़ी सीधी लाइन अप हो जाए। अब फुल लेफ्ट इसके बीच, हाँ, और अब आप सिर्फ उसको ऑब्जर्व करिए कि क्या होता है उसके साथ, रुक के इसमें ब्रेक्स पे कंट्रोल रखना है, स्टेयरिंग सीधा रखना है। अब आपको दिख रहा है क्लियर, तो आप हल्का सा चाहे तो जाने दे सकते हैं और स्पीड पे और नॉर्मली आप ऊपर ड्राइव कर सकते हैं। यहाँ पे रुकेंगे ऊपर आते, सो ऑल दो, चलिए थोड़ा सा और आगे, थोड़ा सा और आगे ले लीजिए, चलो अब रुकिए एक मिनट, रुकता है क्योंकि उस टाइम पे इंजन उसको ब्रेक लगाता है कि भाई तेरे को पावर देने का कोई फायदा नहीं है, जिसके पास ग्रिप है उनको पावर दूंगा मैं ज्यादा, और वो गाड़ी को पुश करके आगे निकाल देता है। तो ये सब लॉक मोड में होना है, ये सब लॉक मोड में होना है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्शन कंट्रोल ETC जो है वो ऑटोमेटिकली करता रहेगा। चलिए स्टीयरिंग दोनों हाथ से बहुत धीरे चलिएगा, अगर गाड़ी अटकती है तो और मजा आएगा, क्योंकि ETC जब फंक्शन करेगा वो भी आपको शायद लाइट जलती है वो भी ब्लिंक होती हुई दिखेगी मे बी, प्लस ऑफ कोर्स ग्राउंड क्लियरेंस, आपके जो ओवरहैंग्स हैं कितने शॉर्ट हैं कि वो लग नहीं रहे, बम्पर टच नहीं हो रहा आपका इजीली, सस्पेंशन हिल डिसेंट तो दिखा रहा है अभी नहीं, अभी हिल डिसेंट नहीं दिखा रहा है, हमने एंगेज नहीं करा है। अच्छा वो फिर मीटर हाँ जी वो फिर गलत है, मतलब ओके यहाँ से लेफ्ट से वो पहले से ही ऑन होगा, इधर लेफ्ट लेके इसके पीछे यहीं रोक लीजिए, इनफैक्टिबिलिटी प्रोग्राम है बिल्कुल सीधा, आपका मन करेगा ज्यादा टर्न करने का कम से कम टर्न करिए, थोड़ी स्किड होने दीजिए लेकिन कांस्टेंट स्पीड पे जाना, यहाँ की ट्रिक है कि थोड़ी कांस्टेंट स्पीड, बहुत तेज की जरूरत नहीं है, रुकना नहीं चाहिए और चलते रहिए धीरे धीरे, थोड़ा थ्रॉटल देते रहिए, जैसे ये अब लेफ्ट राइट भाग रही थी, चलिए 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 रुकना नहीं रुकना नहीं, अब जैसे लेफ्ट राइट भाग रही थी तो उस टाइम पे अगर आपका ये ऑन होता तो वो ब्रेक लगाना शुरू कर देता और फंसती फिर या वो स्किड नहीं होने देता। थोड़ा आगे जाके राइट लेके हम रुकेंगे, बस जा सकता है ये मतलब बताना जरूरी है, आई थिंक गेस्ट को भी पता होना कि भाई मुझे तो जाता ही नहीं है, मुझे क्या प्रॉब्लम है, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आगे चल के ब्रेक मारेंगे, ब्रेक ब्रेक छोड़ दीजिए, नहीं 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 एक्सीलेटर नहीं देना, बंद हो गई शायद गाड़ी, गाड़ी बंद हो गई, एक बार ऑन कर दिया, ऑटो ऑफ हो गया उस गाड़ी का, हल्का सा एक्सीलेटर देके ब्रेक दबाइए, हाँ अब ब्रेक दबाइए, अब ब्रेक छोड़िए एक्सीलेटर मत दीजिएगा, एक दो तीन अब पीछे जाएगी, तो आपको 3 सेकंड मिले उसको पीछे ना जाएगी, आप आराम से अपना ब्रेक से पैर हटा के एक्सीलेटर पर पैर ला सकते हैं, पीछे जाने दीजिए कोई बात नहीं, यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रही तो आराम से जाने दीजिए उसके पीछे, हाँ आपको फिर लाइन भी क्लियर हो जाएगी क्योंकि अभी दिख नहीं रहा आगे क्या है। अब चलिए ऑफ हो गई, सीधे जाना है, चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए,
और बिल्कुल सीधे आराम से नीचे आते आने दीजिए और राइट ले लीजिए ना, यहाँ से राइट लेना है, राइट सीधे बिल्कुल सीधे जाने दीजिएगा। नहीं नहीं बहुत मोड़ रहे हैं आप, सीधे जाने दीजिए, अभी वो नहीं चढ़ पाएगी क्योंकि एकदम ऊपर ऐसे व्हील्स हो जाएंगे तो दिक्कत होगी। आप चलिए थोड़ा चलते रहिए, चलते हाँ अब थोड़ा सा लेफ्ट करिए, बस इतना ही, चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए, हाँ चलिए परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, चलिए आइए थोड़ा सा धीरे, थोड़ा सा लेफ्ट। आई थिंक ऑटो ऑफ तो बंद ही कर दो इसका, वो तो बंद ही है। और लेफ्ट आइए, लेफ्ट आइए, लेफ्ट आइए, और लेफ्ट आ सकते हैं, हाँ चलते रहिए चलते रहिए, थोड़ा सीधा सीधा। सो मोस्ट SUVs में आज वो भी बहुत जरूरी है, थोड़ा सीधे जाके राइट लेंगे ठीक, स्लो थक के वो टायर्स के बीच में से निकल के ऊपर जाना है, थोड़ा सा राइट ले लीजिए सीधा स्ट्रेट। और यहाँ पे एक हम जो इसका अभी तक तो शायद इतनी जरूरत नहीं पड़ी, बट यहाँ पे थोड़ा आगे जाके हमें विजिबिलिटी अच्छी नहीं होगी तो हम यहाँ पे इसका जो 360 डिग्री कैमरा है वो एक्टिवेट कर सकते हैं। चलिए बिल्कुल सीधा चलते रहिए, चलिए 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 बिल्कुल सीधा, चलिए चलिए चलिए, बस यहाँ रुकिए थोड़ा। और आपको पता है कि इसमें भी आपके और मोड हैं 360 डिग्री के, ये बहुत अच्छा है, इसमें आपको पता चल रहा है आप सेंटर में हो काइंड ऑफ ट्रैक के। चलिए धीरे से नीचे उतर के हमें फुल राइट टर्न लेना है, पहले धीरे धीरे नीचे उतरते हैं, चलने दीजिए ठीक है। दोनों हाथ स्टीयरिंग पे, थोड़ी सी पावर चाहिए होगी ऊपर जाने के लिए, चलिए 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 चलिए, रुकिएगा मत रुकिएगा मत, चलते रहिएगा चलते रहिएगा चलते रहिएगा, ना 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 वही मैं कह रहा था क्योंकि आदत ठीक है, आराम से पीछे जाने दीजिए गाड़ी को, कोई नो प्रॉब्लम, जाने दीजिए जाने दीजिए जाने दीजिए, कोई लेफ्ट के दोनों व्हील्स आपको ऊपर रखते हुए रखना। अब यहाँ पे ना थोड़ा स्लो चलेंगे तो मैं गाड़ी का सीसा बनाएंगे, चलिए 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 चलिए, अब यहाँ रुकिए। अब आप जब स्टार्ट लोगे आपको पता चल रहा है कि इस वाले व्हील में ग्रिप थोड़ी कम है ना, और शायद इस वाले में कम है, इन दो को अच्छी ग्रिप है क्योंकि सारा वेट इन दो पे सारा वेट है। इस टाइम पे जब आप थोड़ा एक्सेलरेट करेंगे तो शायद आपको वहाँ एक लाइट ब्लिंक होते हुए दिखेगी, और हम ये ऑफ कर देते हैं इसकी हमें जरूरत नहीं है, शायद वो लाइट ब्लिंक होते हुए दिखेगी, वो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्शन कंट्रोल जब फुल काम कर रहा होता है। चलिए हाथ स्टीयरिंग पे, चलिए चलिए, ये जो स्किड हो रही है जाना है, और ये वाला एक सेक्शन है, ये शायद मुझे चलाना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ट्रिकी है। अगर आप कह रहे हैं अटेम्प्ट करना है तो मैं एक अटेम्प्ट दूंगा, अगर आप करना चाहते हैं तो हम मोस्ट कस्टमर्स से हम ले लेंगे। Wow, flying. Okay, तो ये हमने लॉक पे करा अभी। अब यहाँ पे जो हम दो फीचर देखने वाले हैं, अब इसको डालेंगे हम स्पोर्ट मोड में, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमको इमीडिएटली पिकअप चाहिए, तो सबसे अच्छा पिकअप इसमें मिलेगा, मोर पावर नहीं पिकअप, एक्सेलरेशन बेटर, एग्रेसिव हो जाता है आपका थ्रॉटल, थोड़े से प्रेशर डालने में वो एकदम तेज चलेगी, राइट। सो मैं यही रखूंगा, और कुछ नहीं चेंज करना है मेरे को, और ठीक
और यहाँ पे रुकेंगे एक बार। ओके, सबसे जरूरी है कैमरा यहाँ पे देख लेते हैं। अगर नीचे चलाते हैं थोड़ी स्पीड पकड़ते हैं वो बंद हो जाता है, बट जैसे गुड टाइम आप चेक कर सकते हो कि भाई ठीक है, थोड़ी सेंटर में है, थोड़ी लेफ्ट में नहीं, आई थिंक थोड़ी सी लेफ्ट में है। यहाँ पे आप देखेंगे काइंड ऑफ सेंटर ही है, मार्शल भी सही कह रहे हैं, बट हिल डिसेंट कंट्रोल इज व्हाट वी विल एंगेज हियर। तो हम इसको वापस लॉक में आएंगे, हिल डिसेंट कंट्रोल सिर्फ लॉक मोड में, लॉक मोड में काम करेगा। राइट, तो मैं स्नो में गया, लॉक लगाया, मैंने हिल डिसेंट कंट्रोल ऑन किया, ये बताना चाहिए मेरे को, कभी वो ब्लिंक करता है। किसी और मोड में वर्क ओनली इन लॉक मोड, ओनली इन लॉक मोड। ओके, अगर किसी और मोड में डालेंगे तो ब्लिंक करेगा, इसका मतलब एंगेज नहीं हुआ है। राइट, क्योंकि सबसे ज्यादा कंट्रोल आपको लॉक में मिलता है और तभी हिल डिसेंट ऑन चलेगा। करता क्या है, ऑटोमेटिकली ब्रेकिंग। तो मैं अभी थोड़ा सीधा चल रहा हूं जिससे कि मैं इंश्योर करूं कि मुझे रास्ता दिख जाए एक बार, और फिर मैं ब्रेक छोड़ सकता हूँ। अब मैं ब्रेक छोड़ दूंगा क्योंकि मुझे पता है मैं सीधे जा रहा हूँ। राइट, अब मैंने ब्रेक पे से बिल्कुल पैर हटा दिया है, सब छोड़ दिया है, गियर है मेरे, लेकिन इंजन ब्रेक कर रहा है, इंजन ब्रेक कर रहा है, पैर मेरे दोनों हटे हुए थे। अप्रॉक्सीमेटली 10 किलोमीटर, अगर बताने की जरूरत नहीं आई थिंक किसी को, उसकी ज्यादा स्पीड ये नहीं जाने देगा, और इंडिविजुअली ब्रेक करता है। सबसे अच्छी बात है कि सारे ब्रेक्स एक साथ नहीं लगाएगा। अगर आप मैनुअली करते हो, आपने ब्रेक लगाया, सारे ब्रेक लग गए, लॉक हो गए व्हील्स, अगर गाड़ी स्किड हो रही होगी तो स्लिप होकर नीचे चली जाएगी। okay. लेकिन क्योंकि रुकना नहीं, चले बिल्कुल सीधा होना चाहिए, धीरे से पीछे आने दीजिए, चलिए पीछे जाए, पीछे ठीक है, बिल्कुल सीधा है, जाने दीजिए, ठीक है, जाने दीजिए, यहाँ पर रहने दो भाई, और पीछे ले लो आप थोड़ा, यहाँ का सही में रिस्की है, यहाँ का नहीं होगा नेक्स्ट टाइम, यहाँ का रहने दो, करेंगे वन मोर, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से बिल्कुल पहुँच ही गए थे, आपको लगता है वहाँ पे आराम से रुकने की जगह है। चलिए जब उतरोगे, जब भी रिस्की रहेगा थोड़ा, चलिए।